ओशन यानी कि महासागर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओशन से हमारा वास्ता रहता ही है। यहाँ से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, महासागर से मिलने वाली मेडिसिन, समुद्र मार्ग से किया जाने वाला व्यापार और भी विभिन्न तरीके से ओशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खास बात यह कि समुद्र से घिरे होने की वजह से पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है, लेकिन अब समुद्र अस्तित्व खतरे में, इसलिए महासागरों के महत्व इसमें लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए इससे खतरे भी बढ़ रहे हैं। समुद्र के संरक्षण के लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाता है। आज के इस वीडियो में करियरपीडिया आपके लिए लाया है ओशनग्राफी में करियर कैसे बनाएं और इससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी के एक बड़े धरातल पर समुद्र का कब्जा है। ओशन पृथ्वी के लगभग 71% भाग में फैले हुए हैं। विश्व के महासागरों एवं सागरों का क्षेत्रफल 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा व्यापार के लिए रास्ता समुद्री मार्ग से किया जाता है। समुद्र उसके आसपास के वातावरण में अध्ययन करने वाले रुचि रखने वाले स्टूडेंट के लिए समुद्र विज्ञान सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन विकल्प हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समुद्र विज्ञान में करियर कैसे बनाए इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओशनग्राफी में करियर कैसे बनाए, व्हाट इज ओशनग्राफी, हाउ टू मेक करियर इन ओशनग्राफी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन से कोर्स होते हैं, करियर स्कोप, सैलरी आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 पानी से घिरा हुआ है। यही कारण है कि समुद्र विज्ञान उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही आकर्षक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र जो कि समुद्र विज्ञान के समुद्र और इसके आसपास के वातावरण के साथ साथ उसके जटिल संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं। यात्रा के लिए जल मार्गों का प्रयोग कमी होता है, लेकिन एक बड़े स्तर पर एक दूसरे देशों में माल ढुलाई इसका काम समुद्र मार्ग के जरिए होता है। सामान के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात आयात के लिए विभिन्न देशों के जहाजों और समुद्री जलयानों पर निर्भर होते हैं। समुद्र विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र तटीय क्षेत्रों सहित दुनिया के महासागरों और समुद्र संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करता है। एक समुद्री विज्ञान के कार्य में सैंपल जुटाना, सर्वे कार्य करना, अत्याधुनिक उपकरणों से आंकड़ों का आकलन करना शामिल है। इसके साथ ही इन्हें पानी के घुमाव और बहाव की दिशा, उसके भौतिक और रासायनिक सामग्री के लिए आकलन का कार्य भी करना होता है। इसके साथ ही उन्हें यह भी समझना होता है कि इनके तटीय इलाकों वहाँ क्लाइमेट और वेदर पर क्या असर हो रहा है। इस क्षेत्र में ज्यादातर रासायनिक भौतिक जीव विज्ञानी और जंतु विज्ञानी जुड़े होते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर समुद्री अध्ययन करते हैं। आए दिन ओशन में खराब मौसम की खबरें आती रहती हैं, जिससे कि काम करने में बाधा पहुंचती है और मौसम के खराब होने पर समुद्र में इसे काम को रोकना पड़ता है। समुद्र विज्ञान को लेकर देशों के लिए इसका स्टडी करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि समुद्र से किया जाने वाला व्यापार, खनन और तेल एवं गैस रिजर्व के खनन आदि जैसे काम चलते रहते हैं, जिससे कि इन मौसम खराब होने पर ऐसे काम को रोकना पड़ता है। आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ओशनोग्राफी, यानी ओशनोग्राफी क्या है। समुद्र विज्ञान, जिसे समुद्र विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ये पृथ्वी विज्ञान का क्षेत्र है जिसमें समुद्र में आने वाले धाराओं, लहरों, समुद्र तल से भूविज्ञान, समुद्र के भीतर इसकी सीमाओं के भौतिक गुणों का अध्ययन के लिए एक विशाल श्रृंखला शामिल है। आपको बता दें कि ये उन सभी चीजों का स्टडी शामिल है जो कि समुद्र से संबंधित है। समुद्र विज्ञान में समुद्र के इकोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस समुद्र विज्ञान यानी कि समुद्र विज्ञान में महासागरों का स्टडी है। समुद्र के रहस्यों को जानने और इसके भीतर को विकास को समझने के लिए समुद्र विज्ञानी को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान और भौतिकी की गहन समझ की आवश्यकता होती है। ओशनोग्राफी के तहत खनिज शोषण, नौवहन, तटीय निर्माण, मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन जैसे पहलुओं के बारे में स्टडी की जाती है। समुद्र विज्ञान में कैंडिडेट को विभिन्न ब्रांचें मिलती हैं जिसमें जा सकते हैं, जैसे कि फिजिकल ओशनोग्राफी, भौतिक विज्ञान महासागर के भीतर भौतिक स्थितियों और भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, विशेष रूप से समुद्र के पानी गतियों और भौतिक गुणों पर। इसके अलावा केमिकल ओशनोग्राफी, यहाँ पानी के संयोजन और गुणवत्ता का अध्ययन होता है। यह समुद्र के तल में होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं पर नजर रखी जाती है। बढ़ते प्रदूषण के चलते उनके काम में चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, समुद्र जीव विज्ञान या जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कि समुद्र में रहने वाले प्राणियों के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। समुद्र जीव विज्ञानी विभिन्न समुद्री वातावरण से बनाने वाले जैविक कारकों के साथ साथ इन कारकों उनके पर्यावरण के बीच मौजूद संबंधों का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी, भू विज्ञान की वह शाखा जो कि समुद्र का अध्ययन करती है, जिसके अंतर्गत समुद्र, तटीय क्षेत्र और समुद्री जीवों, समुद्री धाराओं, तरंगों जैसे अन्य विषयों पर अध्ययन किया जाता है। ओशनोग्राफी में करियर बनाने के लिए कैंडिडेट इन ब्रांच में जा सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं समुद्र विज्ञानी की तौर पर करियर
कैसे बनाए और इसके बारे में कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। ओशनोग्राफी में करियर बनाने के लिए आर्मी में साइंस स्ट्रीम के साथ देश के कई संस्थान विश्वविद्यालय में इस क्षेत्र में ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करते हैं। ऐसे में अधिकांश ओशनोग्राफी में जाने के लिए ओशनोग्राफी में आप मास्टर और डॉक्टरल कोर्स यानी कि डिग्री ले सकते हैं। ऐसा इसलिए कि ओशनोग्राफी एक मूल रूप से रिसर्च का फील्ड है जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके कोर्सों के बारे में, कौन कौन से कोर्स होते हैं, इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, कैसे आपको एडमिशन मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। इसमें बीएससी मरीन साइंस कर सकते हैं। जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें यूजी कोर्स के लिए समुद्र विज्ञान में स्नातक करने के लिए रसायन विज्ञान, भौतिक और मैथ या जीव विज्ञान के साथ आप इंटरमीडिएट परीक्षा में 55% अंकों के साथ पास होना चाहिए। मास्टर कोर्स की बात करें तो इसमें आप मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी इन ओशनोग्राफी, मास्टर ऑफ साइंस मरीन बायोलॉजी, एमटेक इन ओशन इंजीनियरिंग, एमटेक इन ओशन टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिन कैंडिडेट ने बीएससी में जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिशरी साइंस जैसे अर्थ साइंस जैसे फिजिक्स, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस से किया है तो इस क्षेत्र में समुद्र विज्ञान में एमएससी कोर्स करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा एमटेक कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग पर्यावरण विज्ञान में बीटेक या इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में एमएससी डिग्री रखने वाले पात्र होते हैं। इसके अलावा डॉक्टरल कोर्स की बात करें तो एमफिल इन मरीन बायोलॉजी, एमफिल इन केमिकल ओशनोग्राफी, पीएचडी इन ओशनोग्राफी जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सों में एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो प्रवेश प्रक्रिया अधिकांश विश्वविद्यालय संस्थान प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रदान करते हैं। कैंडिडेट समुद्र विज्ञान में एमटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गेट का टेस्ट देना पड़ेगा। विभिन्न संस्थान अपने पीएचडी में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अलग परीक्षाएं आयोजित करते हैं जिससे आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि इन कोर्सों के एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इन कोर्सों के विभिन्न प्रवेश के लिए इनकी प्रक्रिया विभिन्न कॉलेजों द्वारा आयोजित कराई जाती है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक और बात जानना जरूरी है कि इन कोर्सों में दाखिला लेने के लिए आप समय समय पर जानकारी बदलती रहती है। इसके बारे में आपको चाहिए कि लेटेस्ट जानकारी लेते रहें जिससे कि आपको इन कोर्सों में दाखिला लेने में कोई परेशानी ना हो सके। चलिए अब बात करते हैं मैन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के बारे में। भौतिक समुद्र विज्ञान विभाग, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, महासागर प्रबंध संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, समुद्र जीव विज्ञान में उन्नत अध्ययन केंद्र तमिलनाडु। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके अलावा देश में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने आप में ओशनोग्राफी में कोर्स कराने का मौका देते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई मैन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की, तो चलिए अब बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है यानी कि इसमें क्या करियर स्कोप है। आज के समय में विभिन्न महासागरों की स्टडी की आवश्यकता मौजूद है, यही कारण है कि ओशनोग्राफी की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ओशनोग्राफर समुद्र के पानी और समुद्र जीवन, मौसम और अन्य पर उनके प्रभावों का अध्ययन नहीं करते बल्कि ओशनोग्राफर ओशन संरक्षण को लेकर तेल इंडस्ट्री तक के क्षेत्रों में काम करते हैं। कोर्स करने के बाद इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन के आधार पर जॉब के प्रोफाइल अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में ओशनोग्राफर के रूप में काम करने के लिए ओशनोग्राफी में एक अच्छे जगह यानी कि अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री के साथ स्पेशल के तौर पर आप एक अच्छे अनुभव के साथ इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। रोजगार की बात करें तो सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के बेहतर मौके उपलब्ध हैं। ओशनोग्राफी से कोर्स कर चुके कैंडिडेट प्रोफेशनल को सरकारी से लेकर प्राइवेट के सेक्टर में मौके उपलब्ध हो रहे हैं। ओशनोग्राफर का काम आमतौर पर रिसर्च ओरिएंटेड होता है। वे सर्वेक्षण कार्य करते हैं और सैंपल एकत्र करते हैं और समुद्र से डेटा का विश्लेषण करते हैं। ओशनोग्राफी से संबंधित कोर्स कर चुके कैंडिडेट के लिए इन क्षेत्रों में जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नीशियन के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां में भी करियर के कई लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सरकारी क्षेत्र के संगठनों जैसे भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय मौसम सर्वेक्षण, डिपार्टमेंट ऑफ ओशनोग्राफी आदि में नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आप विभिन्न कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं तो आप बतौर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। देश के कई विश्वविद्यालय में इससे संबंधित कोर्स कर चुके कैंडिडेट को हायर करते हैं। इसके अलावा आप अनुसंधान केंद्रों में शोध अध्ययन के लिए जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ओशनोग्राफी जॉब ड्यूटी के बारे में। एक ओशनोग्राफी के काम समुद्री गतिविधियों में कई काम होते हैं जैसे कि समुद्री गतिविधियों में इनकी जांच करना, इवेंट प्लान करना, फ्यूचर के रिकॉर्ड के लिए डेटा एकत्र करना, सिद्धांत की परीक्षण करना, निष्कर्षों के आधार पर कागजात और रिपोर्ट तैयार करना, तटीय और समुद्री संसाधन पर्यावरण पर नीतियों बनाने जैसे काम करने होते हैं। एक ओशनोग्राफर को अक्सर बड़े पैमाने पर ट्रेवलिंग करना पड़ सकता है, शारीरिक कार्य करना, जोखिम भरे जीवों और परिदृश्यों का सामना करना पड़ता है जो उनके सभी कौशल का परीक्षण कैसे हैं। एक समुद्र विज्ञानी अनुसंधान करते समय बहुत सारा समय लगाते हैं जिसका मतलब यह है कि स्टडी करने के लिए पढ़ाई करना, प्रयोग करना,
करना, डेटा इकट्ठा करना और इसके परिणामों के बारे में लिखना और निष्कर्षों के बारे में दुनिया को बताना, यानी कि दुनिया के साथ निष्कर्षों के बारे में साझा करना। इस काम के बहुत से प्रयोगशाला में किए जाते हैं। कुछ समुद्र विज्ञानी गोता लगाना सीखते हैं और अन्य डेटा एकत्र करने के लिए नाव या पनडुब्बी में समय बिताते हैं। कई समुद्र विज्ञानी दुनिया भर के संस्थान में काम करते हैं जहाँ वे समुद्र के बारे में लेक्चर देने के या सिखाने में बहुत कुछ समय गुजारते हैं। इसके अलावा समुद्र विज्ञान में काम कर रहे प्रोफेशनल अपने ज्ञान को नए छात्रों यानी कि नए साइंटिस्ट को देते हैं जो कल के समुद्र विज्ञानी बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या तक की सैलरी मिलती है इसके बारे में। भारत में समुद्र विज्ञानी के तौर पर 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तिमाह वेतन शुरू हो सकता है। आपको अनुभव और क्षेत्र के आधार पर वेतन मिलेगा जिसमें आप स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेते हैं जिसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपको बेहतर करियर बनाने की संभावनाएं मिलती हैं, जैसे कि यूके, यूएस, फ्रांस जैसे शहरों में विदेशी देश समुद्र विज्ञानी को तौर पर अच्छा वेतन देते हैं। विदेशों में उनकी सैलरी $50,000 से लेकर $80,000 सालाना मिल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ओशनोग्राफी में करियर कैसे बनाएं, इस करियर ऑप्शन पर ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियर पीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें जैसे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।